दोस्तों अभी रिसेंटली ना मुझे कैमरे के प्रो मोड से प्यार हो गया है। और जैसा कि हम शुभ्रो एक हमारे एडिटर हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि कैमरे से अगर तुमको बेस्ट फोटोज़ लेनी है ना तो प्रो मोड में लो। अब मैं नया नया दोस्तों प्रो मोड में फ़ोटोज़ ले रहा था। वन प्लस माइव में तो बहुत ईजी था, लेकिन जब मैं मी मैक्स 2 में अपने कैमरे रिव्यू में फ़ोटो लिया तो मैंने देखा कि जब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ जैसे ISO एक्सपोजर, तो मुझे वो चेंजेस रियल टाइम में नहीं नज़र आ रही है और एज अ न्यू फोटोग्राफर बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर रॉ सपोर्ट भी नहीं है, 4K सपोर्ट तो था, बट अभी दोस्तों बहुत सारे आपको कैमराज मिल जाएंगे जिसमें आपको ये 4K और रॉ सपोर्ट नहीं मिलेंगे, और ये कहीं हद तक सॉफ्टवेयर लेवल पे दोस्तों डिसेबल करके रखती हैं कंपनियां। अब आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन पे, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे पे 4K सपोर्ट, रॉ फोटोज़ के सपोर्ट, और उसके बाद दोस्तों आप प्रो मोड जैसे प्रोफेशनल मोड बोलते हैं उसमें एकदम DSLR टाइप आप फोटोज़ खींच सकते हैं। और वो कैसा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम तीन ऐप्स के थ्रू जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब दोस्तों सबसे पहला ऐप है लिस्ट में लूमियो कैमरा। और दोस्तों इस कैमरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको जो व्यू फाइंडर जो एक इंटरफेस मिलता है वो एकदम DSLR टाइप मिलेगा। जी हाँ, जैसे कि आप DSLR में आपके मेन्यू बटन होता है, बस मोड, ISO लेवल एंड एक्सपोजर लेवल, जितने भी बटन्स आपको एक कैनन जैसे DSLR में मिलते हैं वही आपको जो व्यू फाइंडर है वही बटन्स आपको इस कैमरे की ऐप में मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 4K सपोर्ट मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग में, और अगर आप फोटोज़ ले रहे हो तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, और जो रियल टाइम चेंजेस होंगे दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो कि बहुत सारे स्टॉक कैमराज में नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कैमरा 2.0 API का भी सपोर्ट मिलता है जो अभी रिसेंटली गूगल ने निकाला है और अभी फ़ोन्स में आ रहे हैं, जिसके साथ आप मैनुअल ISO एंड फोकस भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको इस कैमरे का प्रो मोड लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर सेटिंग्स में जाए तो आपको एकदम DSLR टाइप सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कैमरा शटर स्पीड आप चेक कर सकते हैं, आप कैमरे में फोटोज प्रीव्यू कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस वगैरह वगैरह जितने भी आपको ऑप्शंस एक DSLR कैमरे में मिलेंगी सब आपको इस ऑसम ऐप में देखने को मिल जाएंगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये पहला ऐप है जो आपको अपने फ़ोन पर ट्राई करना चाहिए। इसका अगर आपको फ्री वर्जन अच्छा लगा तो प्रो वर्जन पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। और दोस्तों दूसरा कैमरा है लिस्ट में बेकन कैमरा। जी हाँ, नाम थोड़ा बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन इस ऐप का जो काम है ना दोस्तों फैंटेबुलस है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब फ्री वर्जन में बहुत कुछ ऐसा मिलता है, जैसे कि आप फोकस चेंज कर सकते हैं, ISO लेवल, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ये सब के सब दोस्तों आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और एक्चुअली हमने ये जो जितने भी ऐप्स हमने टेस्ट किए हैं ना सब मी मैक्स 2 में ही किए हैं, बिकॉज जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था उसका प्रो मोड तो था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद दोस्तों आप बेकन कैमरा के ज़रिए रॉ फोटोज़ भी सेव कर सकते हैं। अब यहाँ तक कि दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोला कि रॉ फोटोज़ आपका शायद डिवाइस सपोर्ट ना करे, लेकिन हार्डवेयर प्रेजेंट होता है दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेज में, तो रॉ फोटोज़ शायद 50% डिवाइसेज में काम करे या फिर नहीं करे, लेकिन इस ऐप को इंस्टॉल करके आप ज़रूर एक बार देखिएगा तो सही कि वो रॉ फाइल बनती है नहीं। और वो दोस्तों आपको अपने DCIM फोल्डर के अंदर एक रॉ बोल के फोल्डर आ जाएगा, वहाँ पर आपको वो फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों लास्ट ऐप है लिस्ट में ओपन कैमरा। और ये दोस्तों एक ओपन सोर्स कैमरा एप्लीकेशन है जिसमें प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं जैसे ISO चेंज करना, वाइट बैलेंस वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो इंटरफेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वही बात है, फ्री में आपको इतना सारा ऑप्शंस मिलता है, बट वहाँ पे आप इसको ढंग से अगर यूज़ नहीं कर पाए आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि शटर स्पीड क्या था, ISO क्या था, तब आपके लिए दोस्तों ओपन कैमरा ऐप बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप अगर मेरे तरह से अगर प्रोफेशनल कैमरा में यूज़ करना अभी सीख रहे हैं तो आप बेकन कैमरा या फिर ल्यूमिनियो कैमरा दोस्तों उसको ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये थे वो तीन ऑसम ऐप जिसके थ्रू आप DSLR टाइप फोटोज़ खींच सकते हैं, DSLR टाइप इंटरफेस लेके आ सकते हैं अपने एंड्रॉइड में, उसके साथ आपको 4K और रॉ फाइल फॉर्मेट सपोर्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वो लाइक और वो शेयर का बटन ज़रूर क्लिक करें, और हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना हेल्प मिला हमारे कमेंट सेक्शन में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।